नाजरीन आदाब, मैं सैयद नूरुद्दीन और आ देख रहे हैं ESBN अल्फा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की जानिब से जो मुफ्त मशावरती मेडिकल कैंप लगाया गया था 1 मार्च 2024 तक जारी रखने का ऐलान आज अल्फा हॉस्पिटल के जिम्मेदारों ने मीडिया से बात करते हुए किया। शहर हैदराबाद की आवाम को ये मालूम हो जाए कि अभी ये मुफ्त मशावरती मेडिकल कैंप जारी रहेगा। इस मुफ्त मशावरती मेडिकल कैंप शहर हैदराबाद की गरीब आवाम इस्तेफादा उठा चुकी है। अगर आपको भी इस मुफ्त मशावरती मेडिकल कैंप से फ़ायदा हासिल करना हो तो हर जुमा को 3 बजे से 6 बजे मुगलपुरा अल्फा हॉस्पिटल आ जाएं और इस हॉस्पिटल में मौजूद डॉक्टर से मिलकर अपनी परेशानी या बीमारी के ताल्लुक से मालूमात हासिल करें। अल्फा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में काबिल डॉक्टर्स की एक टीम मौजूद है, ख़ास तौर पर ख़वातीन की परेशानी के लिए यहां पर डॉक्टर नवीद सिराज भी मौजूद रहेंगी। मोहतरमा नवीद सिराज ने मीडिया से बात करते हुए इसका ऐलान किया। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद असलम सिद्दीकी की ये रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम मेरे बुज़ुर्ग, मेरे भाइयों बहनों, अल्फा हॉस्पिटल के जानिब से मैं फिर आप लोगों से मुखातिब हो रही हूँ। पहले तो जनवरी के कैंपों जो जुम्मे को जुम्मा कैंप हो रहा था उसका बेशुमार मोहब्बत और प्यार आप लोगों से मिला। मेरे को सवों से पेशेंट इस कैंप का फ़ायदा उठाए, मैं उसका तहे दिल से आप लोगों का शुक्र अदा करती हूँ। और उस कैंप के दौरान मुझे ये नोटिस में आया कि जो पेशेंट्स आ रहे थे, काफ़ी पेशेंट्स अनकंट्रोल शुगर्स, अनकंट्रोल बीपीस और मामूल से जो कैफियत हो रही थी कि पेशेंट्स को हड्डियों की तकलीफ़ जिसमें कैल्शियम की कमी बहुत ही कम दिख रही थी, इस चीज़ से मेरे को नोटिस में ये आया कि ये चीज़ों को तो रोका जा सकता है, ये चीज़ों को पहले अपन प्रिवेंटिव मेथड्स यूज़ करना बेहतर है। बीमारी आए बाद बीमारी का इलाज तो चलता रहता और बीमारी के कॉम्प्लिकेशंस, दवाइयों के कॉम्प्लिकेशंस होते रहते। मेरा ये सोचना है कि हम पहले बीमारी को आने ही क्यों दें, तो बीमारी को रोकने का हम पहले सिला क्यों नहीं देखें। और अफसोस की बात यह है कि कई जहाँ भी हम देखते हमारे माइनॉरिटीज़ में ही ज़्यादा पेशेंट्स दिखाई देते हर बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में, चाहे वो न्यू सिटीज़ रहो, ओल्ड सिटीज़ रहो, अपने ही पेशेंट्स ज़्यादा है, क्या बात से। तो उसको मैं गहराई से सोचने के बाद ये नज़रिया ये हुआ कि हम पहले तो बीमारी को आने ही नहीं देना। तो ये कैंप में मेरा 3 मुद्दा है कि पहले अब जो रमज़ान आ रहा है उस दौरान हमारी रोज़े और उस चीज़ों को मद्देनज़र रख के हम सेव द किडनी बोल के एक कैंपेन निकाले जिसमें हम ये देखें कि किडनी डिजीज़ के तरफ हम ज़ोरदार तवज्जो दे के पेशेंट्स को किडनी फेलियर से किस तरीके से हम रोक सकते। इसमें 2 तरीके से प्रॉब्लम्स होते किडनी के, एक तो अक्यूट डैमेज के तो वजूहत अलग है, मगर ये अक्यूट और क्रॉनिक वजूहत जो रहते वो उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम है अनकंट्रोल शुगर, अनकंट्रोल बीपी। इस मादे से हम ये कैंप में पहले स्क्रीनिंग करना चाह रहे हैं कि भाई जो पेशेंट्स को किडनी डैमेज होने के आसार है उसको हम अर्ली स्टेजेस में अगर हम पकड़ लें तो हम उसको नुकसानात से रोक सकते। तो ये किडनी कैंप में आपको स्क्रीनिंग होगी, जिसके शुगर्स अनकंट्रोल है, जिसके बीपीज अनकंट्रोल है, जिसके शुगर्स दवाइयों से क्यों कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, और अर्ली इन्फेक्शन ज़्यादातर लेडीज़ में शुगर के वजह से यूरिनरी इन्फेक्शन्स होके क्रिएटिनिन बढ़ना शुरू होता, वो हल्का 1, 2, 3 जाते एकदम 10, 12 तक हो जाता। ये स्क्रीनिंग प्रोग्राम में हम ये पूरा तवज्जो देंगे कि हम इन लोगों की शुगर को और इन लोगों की बीपीज़ को और इनके क्रिएटिनिन को और स्कैनिंग्स के करके किडनी के डैमेज को पकड़ के किडनी डैमेज को हम रोकने का बहुत शिद्दत से कोशिश करने वाले हैं। इंशाल्लाह आप लोग ज़रूर आइए, फिर नए सिले से हम हर जुम्मा कैंप रख रहे हैं रमज़ान के मुकद्दस महीने तक, ख़ास तौर से किडनी डैमेज के तवज्जो को लेके। और दूसरी चीज़ ये है कि यंग बच्चियों की तरफ भी मेरा ख़ास तवज्जो है एक लेडी डॉक्टर होने के नाते, और इसमें भी माँ बाप बहुत परेशान हैं कम उम्र बच्चियों को लेके कि अरे हर दूसरी तीसरी बच्ची को थायराइड हो जा रहा, वो परेशानी से भी बहुत ज़्यादा वो कर रहे हैं पेशेंट्स। इसलिए हम फ्री थायराइड टेस्ट रख रहे हैं ताकि हम अर्ली अगर पहचान सके और अर्ली अगर ट्रीटमेंट हो सके तो
थायराइड को मुकम्मल तौर से हम हावी कर सकते हैं और थायराइड यंग बच्चियों को चले जा सकता है। और दूसरी चीज़ ये है कि सेकेंड चीज़ जो नोटिस में आ रही है कि बच्चियाँ ज़्यादातर गैर ज़रूरी मोटे हो जा रही, और फिर माँ बाप उसे बच्चे तो कुछ खाती नहीं और इरेगुलर साइकिल्स हो जा रही और ज़्यादातर चेहरे पे बाले आ जा रहे हैं, कीलें आ जा रही, स्किन ऑयली हो जा रहा। ये एक नया मुद्दा आया है यंग पेशेंट्स में जिसको कहते हैं पीसीओडी सिंड्रोम। तो ये पीसीओडी सिंड्रोम को भी हम स्क्रीनिंग कर रहे हैं। ये कैफियत जिस जिस में बच्चियों को है, रेगुलर साइकिल्स नहीं हैं, बाले ज़्यादा हैं, कीले ज़्यादा हैं, डाइटिंग कर रही हूँ, वेट नहीं बढ़ा, और बच्चियों की शादियाँ हुए बाद भी तवक्को रहती कि भाई चलो जल्दी माएँ बन जाना, वो तवक्को में भी रुकावट आ रही, तो पीसीओडी की स्क्रीनिंग भी हम फ्री तरीके से कर रहे हैं। तो हर वीक को हम हर महीने में एक मुद्दा उठा के हम ये अवेयरनेस पहुंचाना चाह रहे हैं हमारे आवाम में, ताकि हम पहले बीमारियों को रोकें। बीमारी आए बाद तो लड़ना ही है, मगर बीमारी आने क्यों दें हम? ये एजुकेशन, ये अवेयरनेस, ये स्क्रीनिंग, ये टेस्टें हम करना चाह रहे हैं और एक आवाम में तब्दीली लाना चाह रहे हैं कि भाई देखिए क्यों हो रहा है, अपने गिराबान में झाँक के देखिए कि भाई क्या गलती हो रही हमारे से, हमारे माशरे में क्या गलती हो रही, हमारे को क्या हिदायत है और हम कर रहे हैं क्या, हम किस तरीके से खा रहे हैं, हम किस तरीके से सो रहे हैं, हम कब उठ रहे हैं, हम बेशुमार खा रहे हैं जबकि हमारे को हिदायत है कि हमारे को आधा पेट खाना है, हम सो रहे हैं कब 3 बजे रात को, हम उठ रहे हैं कब 12 बजे, ये सब चीज़ों को हमारे को क्या हिदायत दी गई, हम और क्या हम कर रहे हैं क्या, इस तवज्जो पे हमारे को शिद्दत से सोचना है और अपने आवाम में तब्दीली लाना है। इसमें आप लोगों का मेरे को बहुत शिद्दत से साथ है, साथ ज़रूरी है, आप साथ दे रहे हैं और साथ की तवक्को में रख रही हूँ। इंशाल्लाह हम ये देखेंगे कि हम किस तरीके से बीमारियों को रोकते हैं और उन लोगों को फिर लड़ते भी हैं इंशाल्लाह। शुक्रिया। देखिए हर इस ताल्लुक से स्क्रीनिंग के वास्ते हर टेस्ट मौजूद है, जैसा कि किडनी स्क्रीनिंग के वास्ते है, हीमोग्राम है, CUE है, कल्चर है, शुगर है, BP है, क्रिएटिनिन है और अल्ट्रासाउंड है। इसमें जब मालूम हो जाता कि क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है तो हमारे डॉक्टर नेफ्रोलॉजिस्ट है डॉक्टर रवि कुमार, उनको हम तवज्जो देंगे, बहुत सीनियर डॉक्टर है डॉक्टर रवि कुमार और बहुत शफा है उनके हाथ में, जो अर्ली क्रिएटिनिन को उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से रोक के पेशेंट को डायलिसिस तक नहीं पहुंचना बोल के उन्होंने कोशिश करते। और साथ में BP शुगर के वास्ते डॉक्टर निसार फिजिशियन है, जो देख के शुगर से अच्छे दवाओं से कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे और जहाँ ज़रूरत पड़े वहीं पर इंसुलिन देंगे। और BP को भी ECG है और E2D को के वास्ते डॉक्टर प्रवीण है और हमारे न्यूरोलॉजिस्ट भी है डॉक्टर सलमान और अपने डॉक्टर बासित इज़ द पल्मोनोलॉजिस्ट। वी हैव अ टीम वर्क, दिस इज़ ऑल गोइंग टू बी अ टीम वर्क। एंड एज अ गायनोकोलॉजिस्ट मैं फीमेल डॉक्टर भी हूँ, जिससे मेरे बहनों को मैं ज़्यादा ताउन दे सकती हूँ, उनके दिलों में जो भी डाउट्स है वो उन लोगों को डिस्कस कर सकती हूँ मैं एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे। बाज़ लोखत लेडीज़ कुछ खुल के नहीं बात कर सकते डॉक्टर से, एक बहन के नाते वो मेरे से दिल खोल के अपनी कैफियत बोल सकते, तो मैं उनको गाइड करने में भी मदद कर सकती हूँ हर दूसरे डॉक्टर को, बीच में एक कनेक्टिंग लिंक के जैसा इनकी कैफियत दूसरे डॉक्टरों से डिस्कस करके मैं उन लोगों को गाइड कर सकती हूँ। थैंक यू। ताल्लुक से भी हम लोग के नी आप देख रहे हैं लेडीज़ में हैं, ओवरवेट पेशेंट्स में हैं, बहुत ज़्यादा नी पेन होता है, तो एक लेटेस्ट एक तो एक्सरे होता उसमें किस हद तक ऑस्टियोआर्थराइटिस है मालूम होता, डिपेंडिंग ऑन द डिग्री ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। आजकल PRP बोल के एक नई टेक्निक है जिससे पेन को प्रिवेंट कर सकते, और खुदा ना खास्ता जैसा कि आजकल एक नी ट्रांसप्लांट, नी रिप्लेसमेंट एक फैशन हो गया, उसको हम उसके भी कई कॉम्प्लिकेशंस होते, उसको उतनी शिद्दत तकलीफ बर्दाश्त करने से बेहतर है कि अपन अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस को PRP से प्रिवेंट कर दे, जिसको डॉक्टर हसनुद्दीन सिराज PRP मेथड से ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ द नीज में काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स महसूस कर रहे हैं हम लोग। पेट के ऑपरेशंस है, लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज है, इसमें माहिर है डॉक्टर सैयद सिराजुद्दीन, और ख़ास तवज्जो ये हो रही कि ये कैंप का
कि भाई हम पेशेंट्स की परेशानी और मजबूरी को समझते हुए कम से कम खर्चे में ताउन कर सकें। ये हमारा ख़ास मुद्दा है ये कैंप्स का। एक तो पहले तो अवेयरनेस लाना और ख़ास तौर से पेशेंट्स को क्या है इकोनॉमिक कंडीशन उनकी, उनके हालात, उनके मजबूरी को मद्देनज़र रखते हुए कम से कम खर्चे और अफोर्डेबल रेट्स में हम करेक्ट ट्रीटमेंट करें, ना कि दूसरी जगह जैसा कि एक क्या इंस्टीट्यूट्स में एक जूनियर्स और एक अनएक्सपीरियंस डॉक्टर्स को हाथ साफ करे जैसा नहीं होते हुए हम एक्सपर्ट डॉक्टर्स के साथ काम करने की कोशिश कर रहे, ये हमारा नज़रिया है। जी जी जी, जैसा मैं आपको बताई कि एक तो काफ़ी पेशेंट्स को स्पेशली जो हम लोग इनफर्टिलिटी कर रहे थे, काफ़ी पेशेंट्स को हम लोग लैप्रोस्कोपी करे, वो इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स में उन लोगों को बहुत बहुत फ़ायदा हुआ है और काफ़ी यंग बच्चियां कंसीव हुए हैं और वो प्लान ऑफ डिस्काउंट्स फॉर हिस्टेक्टमीज एंड लैप्रोस्कोपी इज़ कंटिन्यूइंग। ये मैं ये कैम्प में भी वो हम डिस्काउंट्स कंटिन्यू कर रहे हैं। Thanks for watching ESBN News. Please like, share and subscribe to our channel and don't forget to comment in the description box.